मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम उनके लिए 15-15 कुर्सी छोड़ दें, बाकी वो... कि आप इस टूर्नामेंट की मां का मान सम्मान और जान है, अब निश्चित तौर पर हमारे लिए कहा जाए कि इस टूर्नामेंट के भगवान खुदा ईश्वर गॉड सब सब कुछ है, आप अपनी मर्यादा में रहे, इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने में आज तक बॉल करता हूं, लेकिन खिलाड़ियों जो खिलाड़ी दूर से आए हैं उनका सहयोग करिए, टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है सलीम साजदा उनका भी सहयोग करिए। जी आजाद भाई, आशीष भाई, मैं आप जितने भी हमारे कमेंटेटर हैं उनसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है। जी मैं आपका अनुरोध है, इस समय कमेंट्री बॉक्स में जितने भी कमेंटेटर और स्पॉट और स्कोरर है सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ये जोश जोश में अगर थोड़ा सा होश खो बैठे अंपायर उस चीज को कवर करेंगे, आप अपनी पैनी निगाहों से गेंद मैच को बैट्समैन को देखते रहेंगे, जो भी फैसला होगा आप इस मैच के भगवान है, आपका फैसला अंतिम फैसला और दोनों ही टीमों को मानना होगा, कैप्टन या खिलाड़ी अगर किसी चीज से परेशानी है वो अंपायर के पास जाकर उस चीज पर चर्चा कर सकता है, न कि आप उस चीज पर किसी तरीके से एग्रेसिव नजर आएंगे। सचिव भाई, मैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो दर्शक पीछे है विशेष ध्यान देंगे, थोड़ा पीछे रहिए और पीछे, कोई प्रेशर तो नहीं है, नहीं कोई प्रेशर नहीं, एकदम अच्छे से पीछे से आप हल्ला मत करिएगा, जरा सा भी हल्ला मत करिएगा, क्योंकि आप बल्लेबाज के ठीक नजदीक खड़े हैं, वहां से आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, और तो यहां पर मैच चालू हो रहा है दोस्तों, सब कुछ बेहतरीन ढंग से हो रहा है, और यहां पर पहली गेंद पहला ओवर फेंकने को तैयार संदीप भारती, देख रहे हैं दोस्तों दर्शकों की संख्या आज जो है सबसे ज्यादा दर्शकों की संख्या है, दर्शकों की संख्या सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं हमको तो लग रहा है आज 2-3 हजार दर्शक है, इतने सारे दर्शक आज फाइनल का मैच देखने आए हैं, सब लोग आ रहा है यार, देख रहे कितने लोग, और यहाँ पर दुकान भी है, अगर आपको भूख लगे तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं, डोसा छोला भटूरा क्या क्या है सारी इंतजाम यहाँ पर आपको मिलेंगी, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर एक बेहतरीन टूर्नामेंट, और यहाँ पर आज ब्रेड पकौड़ा भी मिलेगा, आपको अगर ब्रेड पकौड़ा खाना है तो आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, देख रहे हैं थाईपुर की टीम बैठी है स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई, और आज लगता है यहाँ से 15 लाख रुपये ले कर जाएंगे लोग, 15 लाख रुपए का टूर्नामेंट है ये। आगे लीजिए आगे, हाय अनिलो जसो, आगे लीजिए, हाय देख रहे हैं दोनों लोग कितना कितना मोहब्बत कर रहे हैं, अरे हमारे अमित भाई यार, आज मेरी बेटी का बर्थडे है इसलिए यहाँ पर गुब्बारे भी लगाए गए हैं, की बात किया जाए कलीम भाई, उनके पास एक अनुभवी खिलाड़ी है जिसके पास एक लंबा अनुभव बीच क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेटों का,
वो है हासिम। ये मेरे फैमिली के लिए आशीष भाई हासिम कल लगभग करियर रहा है, लेकिन मैंने पिछले कुछ समय से देखा है कि आशीष का फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात है कि आज के फाइनल के मुकाबले में किस तरीके के बल्लेबाजी क्या करते हैं। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, जब चेस करने के लिए आए, ये टारगेट को तो तबाह होगा उनके ऊपर। कलीम भाई अगर देखा जाए तो हासिम अमला बड़े मैचों के लिए जाने जाते हैं, तो तब है रोहित अकबर तो फिर वहां पर कुछ चूक हुई तो जिसके कारण अंपायर ने बॉल को रोक दिया। कुल मिलाकर अंपायरों से मेरी दरख्वास्त है कि फाइनल मैच 15-15 ओवरों का खेला जा रहा है और समय इस समय 1:01 का हो गया है। कुल को लगातार अगर बनाए रहेंगे तो ये 3:30 तक मैच को समाप्त कर लिया जाएगा, जिससे हमारे बाहर आपके पास से ज्यादा समय के पास कम से कम 1.5 घंटे का समय रहेगा गेंद घूमने में, तो जो प्रेजेंटेशन समारोह होगा ठीक से हो पाएगा। और इस बार हमने अपना बॉलिंग रन मिस किया और यहाँ पर देखिए इनामों को रख दिया गया है। लाइट चल रहा है, जो इशारा करिए ठीक ठाक इशारा करिए, पीछे हाथ करके इशारा मत करिए कैप्टन अभिन भाई। हाँ कर दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए दर्शक आज सामने, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा दर्शक आज विश्व भर से आप लोगों को देख रहे हैं लोग। इस बार अच्छी बॉल क्या करने के बाद अंदर की तरफ आई, बैट्समैन बलराम लेकिन एक मथे मथाए बल्लेबाज की तरह से खुले हाथों से उसे कहा जाए खेल आसानी के साथ चहल कदमी करते हुए एक दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे इस विकेट को पढ़ते हुए संवारते हुए अपनी इनिंग को, क्योंकि इस विकेट को पढ़ना है बहुत ही आवश्यक है। अगर इस विकेट को पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उसके बाद खेलना आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा शॉट दिया है, कट दिया है कि स्त्री प्रक्षेप होते हुए और इन दोनों के साथ इसको जा पहुंचा है। उन्होंने मिड विकेट पर खेला था, वो भी बॉल काफी नीचे थी और ये आसानी से खेल पाते हैं। कुल मिलाकर रोहित तोड़ते हुए अब से दूर जाती करारा स्ट्रोक, लेकिन एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन मिड विकेट पर रखा गया है, फील्ड के हिसाब से ही गेंदबाजी। दोनों टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष दर्शक देखना चाहते हैं, वो चाहते बने और जिससे कांटे का टक्कर देखने को मिले जहां तक गए और अंतिम बॉल तक गए, ये बड़ी बात थी। दर्द इस बॉल बार कहा जाए कि अच्छी बॉल थी, परिवर्तन के तौर पर थोड़ा सा स्लो बॉल थी और उसे सम्मान थी। निकाल कर था विकेट को थोड़ा सा बैक खुद पर ठगेला जाए, थोड़ा सा दबाव में लाया जाए, क्योंकि जब शुरुआती समय में 1-2 विकेट निकाल लेंगे अगर तो थोड़ा सा टीम था ही पूर्ण दबाव में होगी। निश्चित तौर पर कलीम भाई अगर यादव क्लब थाईपुर की बात किया जाए तो इसके कर्ता धर्ता अरविंद यादव भी यहां पर मौजूद है, कहा जाए कि डगआउट में बैठे हुए खिलाड़ियों के साथ और इस टीम के कहा जाए कि मैनेजमेंट जो देखते हैं हरिश्चंद्र यादव जो इस समय कहा जाए कि सीमा पर है। मेरी बात कल ही हुई थी, सुना भी हुई थी हरिश्चंद्र यादव से, तो उन्होंने कहा था कि मेरी टीम वहां पर फाइनल खेल कर आएगी, फाइनल जीत कर आएगी, तो बड़े खिलाड़ी खिलाए हैं और बड़ी उम्मीदें अपने खिलाड़ियों से रखा है। इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया लेकिन एज लगा, लेकिन पिछले खाते में कौन पहले बल्लेबाजी कर रही है? थाईपुर क्लब, थाईपुर बल्लेबाजी कर रही है। कैसा मुकाबला होने को उम्मीद है? बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहाँ कितने ओवर का मैच है? 15 ओवर का मैच है जी। अच्छा, तो आज फाइनल है? आज फाइनल है। यहाँ इनाम भी काफी बांटे जाएंगे, बहुत ज्यादा इनाम है। तो आप देख रहे हैं पहले दिन से ही आप यहाँ पर अच्छे अच्छे युवाओं को मात दे रहे हैं, दौड़ में हो या तो काम करने को हो, इसका राज क्या है बताइए आप जी। असल में मैं पहले से प्लेयर हूँ। अच्छा, चाहे कबड्डी हो, अच्छा चाहे वो क्रिकेट हो, अच्छा चाहे वो हॉकी हो, अच्छा चाहे वो झाबर हो, अच्छा मैं सुल्तानपुर इलाहाबाद कुल खेलने गया हूँ। अच्छा, इसलिए कि वो चीजें अभी हमारे अंदर बरकरार है। अच्छा, मतलब कोटेदार से पहले आप प्लेयर है। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार हाय कर दीजिए। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है, एक बेहतरीन नज़ारा है आप फाइनल का, जैसे फाइनल का बिना हेलमेट के खेलना यहाँ पर सही नहीं है।
हेलमेट बहुत जरूरी है। दोस्तों ये भीड़ आप देख के, ये हुजूम सा लगा है, आप देख रहे हैं बाइकों का, क्योंकि आज प्रतापगढ़ में फाइनल हो रहा है महासंग्राम क्रिकेट का। यादव क्लब थाहीपुर और छितपालगढ़ के बीच गोई की धरती पर देख रहे हैं। चलो चलो भाई। और यहाँ पर बर्थडे गर्ल आती हुई और पूरा फैमिली के साथ, थैंक यू वेरी मच। दो बल्लेबाजों के बीच और इस तरह से सात ओवर के खेल में बने कई बार बैलेंस बॉलों से संसार कई ना कई बार छूटा याद दिख रहा है। ये सोच नजर आ रही है एक लंबा टार रिप्लेस करेगी। इसके बर्थडे भी है, हाय करता हूँ सिंधा, तीन चौका और चौका लगाया है। यहाँ पर आए बल्लेबाजी का आ एक तरह से बिल्कुल झट से गए हैं, बिल्कुल पांव दबा लिया है मजीद भाई। लगे हुए हैं कंटिन्यू बोलिंग जारी है रोहित के द्वारा, सुरेंद्र बोलिंग कर रहे हैं, सुरेंद्र कंटिन्यू बोलिंग सामने उनके बल्लेबाज बल्ला, वही बल्ला बलराम ने इस बार गेंद को कराई के घुमाया, वहां से नहीं बचाएंगे क्योंकि दर्शकों का जुनून एक अलग होता है। चले एक बार फिर से बोला और क्या कोशिश, और ये हाफ सेंचुरी बलराम की पूरी हो गई, दो छक्के लगातार इन्होंने मारे हैं। ये बलराम पांडे थाहीपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छा खेल रही है। ये बलराम पांडे बल्लेबाज हैं जो चार छक्के लगातार बना के हाफ सेंचुरी खेल चुके हैं थाहीपुर के, चार छक्के लगातार। नौ ओवर में 97 रन, तेज बल्लेबाजी हुई इस ओवर में, थोड़ा सा प्राकृतिक अवरोध होने के कारण नहीं रोक पाए गेंदबाजी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौका निकला है यहां से, टोटल स्कोर यहां से सैकड़ा भी पूरा हो चुका है, टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 101 रन। बहुत ही बेहतरीन दिन है आज हमारे लिए क्योंकि और शहजादा भाई के लिए भी, हमारे लिए तो हमारी बेटी का बर्थडे है और आज मैं उसको इतने बड़े इतने सारे लोगों के बीच सम्मानित कर रहा हूँ, उसका केक कट रहा है। इसके लिए शहजादा भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतना सारा व्यवस्था की, इतनी सारी गुब्बारे लाए, इतने सारे हमारे, अरे भाई डन है अच्छा बिल्कुल टेंशन, ये सारी व्यवस्था जो है अली असर सेफ्टी प्लस इंजीनियरिंग वाले, ये इनके छोटे भाई है उनकी तरफ से है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा और आप भी थैंक यू सो मच। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज का दिन, और शहजादा भाई के लिए भी मुझे लगता है बेहतरीन दिन होगा क्योंकि आज उन्होंने प्रतापगढ़ की धरती पर एक ऐसा काम किया है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब उसको आपने मूर्त रूप दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अब मैं चाहूंगा केक काट के, और आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
काटो बेटा मैच भी स्टार्ट बेटा काटो मैच करवाना है मैच भी करवाना विजय फास्ट करिए फास्ट आशीष भाई बराबर ध्यान दीजिए आप गुरु छितपालगढ़ का दूसरा विकेट गिरता हुआ जाए तो शहजादा कलीम भी कुछ समय के बाद उपस्थित होंगे इस कोई के ग्राउंड पर शहजादा कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत इस फाइनल मुकाबले में दूसरा आजादी है बड़ी आजादी है कि बड़े स्ट्रोक खेले क्योंकि फ्री हिट है इस बार अगर दोनों टीमों की तुलना किया जाए तो दो ओवर में 7 या 8 रन थे लेकिन विकेट नहीं गवाया था ठाकुर ने तो दोनों बॉलर रतन इस बार फ्रीट का उतना फायदा नहीं उठा पाए फिर भी खाते में तो सही चल रहा है माजिद भाई 4 ओवर की पहुँचाने कह रहा है तो पहुँचा देना एक बार फिर की बॉल से उसे खेलना चाहते थे लेकिन मना कर दिया गया चली गई हुई डिक्लेयर खाते में 2 रन के लिए कहा जाए कि आज के एक और चीफ गेस्ट ओवर की समाप्ति हो चुकी है एक और चीफ गेस्ट शहजादा कलीम हुई इस समय ग्राउंड की ओर अग्रसर और उन्हें शहजादा सलीम द्वारा रिसीव किया जा रहा है और मंच तक पहुंचाया जा रहा है शहजादा कलीम प्रताप गढ़ी है ये शायर शहजादा कलीम प्रताप गढ़ी शायर शहजादा कलीम प्रताप गढ़ी भी इस समय उपस्थित है इस फाइनल मैच के मुकाबले को देखने के लिए अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 26 या 27 रन था जी बॉलर कंटिन्यू रमादा संतोष रमादा 2 ओवर में दो विकेट मेरा चैनल है अनिल ओझा शो अच्छा उस पे आप लाइव होंगे 10:30 के आसपास रमेश चलता हुआ रोशन सर के आसपास रमेश चाहिए जीत के लिए 2 ओवर में 21 दौड़ते हुए बॉलर संतोष रमाड़ा इस ओवर में पहली मरतबा लेग स्टंप की बॉल जिसे खेलना चाहते थे ठीक तरीके से मैच पर आई नहीं पर 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए लेग स्पाइक के रूप में उनके कादे की थाई टैग के आसपास बॉल जाकर टकराई थी बोलर बात आपने बोली बात पर लेकिन कलीम भाई अगर बात किया जाए अर्थात नेता कहीं ना कहीं नाती उससे बॉल अपील हुई थी बॉलर भी जानता था ओवर थ्रो हुआ है लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा
अनिल सिंह लखनऊ से जो कहा जाए कि शहजादा सलीम को अपना परिवार पर उपस्थित हुए हैं, इससे अपना अमूल वक्त देते हुए और शहजादा कलीम भी इस समय कहा जाए कि मंच के ऊपर विराजमान है। रवाना हमसे दूर जाते हुए लेकिन फील्ड से संतुष्ट नहीं, उनको रोका गया। दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं रवाना, उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नावे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने रोका है। सिर्फ दो खिलाड़ी ही बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात कर सकते हैं पांच ओवर का, क्योंकि पांच ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले है, कंपल्सरी पावर प्ले, और जो फाउंडेशन है उसका निर्वाह तो करना ही होगा इन खिलाड़ियों को। कहा जाए कलीम भाई शुरुआती पांच ओवरों में ऊपर एक भव्य बर्थडे मनाया गया सलीम शहजादा के सौजन्य से इस कवई के ग्राउंड पर, फाइनल के दिन निश्चित तौर पर बड़ी बड़ा काम किया है। और हिंदू मुस्लिम कुछ कहना चाहोगी? हाँ, कुछ कहना। मैं अंकल को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल मनाया और एक गिफ्ट भी उन्होंने दिया। अच्छा, इस समय मंच पर चलिए मैं माइक ले आता हूँ, माइक ले आता हूँ, माइक को बोल दो। थैंक यू बोलो अंकल को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त शहजादा सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल ओझा शो की तरफ से, आपने इतना और यहाँ पे दर्शक आए गए कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा उम्मीद था आपको? बहुत बढ़िया बनाया गया और स्पेशली इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बहुत कड़ा संघर्ष होता हुआ जाएंगे। चलिए एक बार बोलो शहजादा क्रिकेट क्लब गोई से आप लोग ये प्रतियोगिता देख रहे हैं और आज फाइनल जो है थाही क्लब और छितपालगढ़ के बीच हो रहा है। बोलो शहजादा क्रिकेट क्लब से आप ये मैच देख रहे हैं और आज फाइनल मैच है छितपालगढ़ और यादव स्पोर्टिंग क्लब थाहीपुर। और आज इसमें बलराम पांडे ने 70 रन बनाए 40 गेंदों पे आज मेरा बर्थडे है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है और मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट मिला और अंकल को बहुत बहुत बहुत।